फिर दोबारा से नोटपैड की बात की आ गई, यानी अब हम अगला टैग देखने लगे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, और वो कौन सा टैग है जी? आईएमजी का नहीं ना देखा पिछली क्लास में ना? आईएमजी नहीं देखा, नहीं देखा, ठीक है। आईएमजी का टैग किस लिए इस्तेमाल होता है? इमेज के लिए। अगर मैं आपको साथ पैरेलल वेबसाइट भी खोलकर दिखाऊं, कोई भी वेबसाइट लिंक खोल लेते हैं, ये खुली हुई है, बल्कि यहीं पे खोल लेते हैं, वही वेबसाइट खोलते हैं जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको। ये तस्वीरें, तो अगर हम इस वेबसाइट को देखें, अब हमने सबसे पहली बात ये कि हमने कोई नई चीज क्रिएट नहीं करनी। इवन मैं आपको जो प्रोजेक्ट भी दूंगा ना, आप उसमें भी एडिट ही कर रहे होंगे, यानी आपने, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा आपको कि आप वेबसाइट बनाएं, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा कि ये बनी हुई वेबसाइट है ना, इसको चेंज कर लो। क्या चेंज करोगे? अगर आपको ये मेन्यूज की तादाद पसंद नहीं है, नाम पसंद नहीं है, आप इनके नाम चेंज करोगे, लेकिन मेन्यू क्रिएट नहीं कर रहे आपको ये लोगो चेंज करना है, आप लोगो चेंज करोगे। आपको ये तस्वीरें चेंज करनी है, तस्वीरें चेंज करोगे। आपको ये तस्वीरें चेंज करनी है, लेकिन नए सिरे से हमें कुछ क्रिएट नहीं करना। सो हम ये देख रहे हैं कि तस्वीरें तो बहुत हैं, बार बार आ रही हैं हमारे सामने, है ना? तो इसके लिए जो हमारे पास टैग इस्तेमाल होता है वो कौन सा टैग है जी? आईएमजी का टैग है। आईएमजी किस लिए होता है? फॉर अगर आपने इमेज लगानी है तो उसके लिए हम आईएमजी का टैग यूज करते हैं। अगर मैं उसी फाइल में आऊं और आपको दिखाऊं आईएमजी का टैग, जिसका कोड देख लेते हैं, राइट क्लिक, कैसे देखते होते हैं कोड, राइट क्लिक पेज सोर्स, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स। बल्कि मैं आपको ना एक दो दिन में एक वीडियो घर से रिकॉर्ड करके भेजूंगा, उसमें मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की वीडियो होगी कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है? मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की वीडियो होगी कि आप वर्डप्रेस अपने कंप्यूटर पे कैसे, ये एक स्टाइल है ना वेबसाइट्स का। जो दूसरी वेबसाइट्स आपके पास आएंगी वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होंगी, तो वो मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा, ताकि आप अपने लोकल कंप्यूटर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। अब अगर उधर आप काम करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर, तो लोकल कंप्यूटर पे काम करेंगे, ऑनलाइन भी वैसे ही काम होगा, जैसे मैं इस पे काम करता हूँ ऑफलाइन, इसी तरह वो आपको उसका फायदा होगा कि आपको दो इंटरफेसेस समझ में इजीली आ जाएंगे, ठीक है? सो मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा और सॉफ्टवेयर भी भेजूंगा, यानी इंस्टॉल करने की वीडियो होगी, साथ में आपको सॉफ्टवेयर का लिंक भी शेयर करूंगा कि इंस्टॉल करना सिखाया होगा, सॉफ्टवेयर आपके पास होगा, उसको आप खुद इंस्टॉल कर लें अपने घर में बैठ के, ठीक है ना, अपने कंप्यूटर पे। अब वो दूसरा प्लेटफॉर्म है, मतलब मेरे पास कभी वेबसाइट आती है वर्डप्रेस की, कभी कोडिंग वाली आ जाती है, तो दोनों की एसईओ करनी होती है जी। आ जाते हैं जी, इमेज को देखना था ना, कंट्रोल एफ करें और आईएमजी लिख लेते हैं। देखें कितने हैं, 48। नेक्स्ट करें, ये देखें ये टैग है इमेज का, नजर आ गया ना इमेज का टैग। अब इस टैग को देख के परेशान नहीं होना, कितना लंबा चौड़ा क्या है, हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारे से रिलेटेड क्या नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप उसको इग्नोर कर दें कि जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जिस जो आपका काम ही नहीं है उसको देखना। वो है जी आईडी, आईडी लिखा हुआ ना, ये हमसे रहना देना नहीं है इसका कोई, ये स्टाइल शीट है। अच्छा, उसके बाद क्लास, इसका भी हमसे कुछ लेना देना नहीं है, ये भी क्या है, स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट का क्या मतलब है, फॉर्मेटिंग हुई हुई है ना, फॉर्मेटिंग वेब डेवलपर ने की हुई है, तो उसने क्या किया हुआ है, इसकी स्टाइल शीट बनाई हुई है, स्टाइल्स क्रिएट किए हुए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल्स बन जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि टैग क्या है, आईएमजी। उसके बाद इसका एट्रीब्यूट कौन सा है जो हमसे रिलेटेड है, एसआरसी। एसआरसी के आगे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइल का नाम और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑल्ट, और एक आगे एक्सप्रेशन आ रहा है। बस ये तीन चीजें हैं जो खास तौर पर हमारे लिए है। जो मेरे पास एक वेबसाइट आएगी और जब मैं वेबसाइट ऑडिट करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि इस वेबसाइट के ऊपर अगर 100 इमेजेस हैं, 50 इमेजेस हैं, 20 इमेजेस हैं, तो क्या वो इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं कि नहीं है,
उनके ऑप्टिमाइज होने का एक फैक्टर क्या है कि क्या उनके अंदर ये आर्ट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। देखिए लिखा हुआ है ना आर्ट इक्वल्स टू प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड यूज हुआ हुआ है। ऐसे ही है, इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी हो आपने तो आप कोई सी भी वेबसाइट, रैंडम कोई वेबसाइट खोलो और उसके सोर्स में जाकर चेक करो कि क्या उसका आर्ट टैग लिखा हुआ है उसने। अगर तो आर्ट टैग खाली नजर आएगा आपको तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज ऑप्टिमाइज नहीं हुआ हुआ, इमेज ऑप्टिमाइज होने वाला है। लेकिन ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने के और फैक्टर हैं जो मैं डिस्कस करने लगा हूं आपसे। नंबर वन, पहला इमेज साइज। भाई इमेज साइज तो नहीं बड़ा कहीं, ठीक है, मतलब पहला फैक्टर क्या है कि इमेज साइज कितना होना चाहिए। अगर बड़े इमेजेस होंगे, अब एक है इमेज दिखने में भी बड़ा है और उसकी एमबीज भी बुझा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी बंदा वेबसाइट लोड करेगा एक तो तस्वीर बहुत बड़ी नजर आएगी, दूसरी बात यह है कि वो लोड होने में भी टाइम लेगी। तो जब आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी वेबसाइट को पीछे रखने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज साइज हमें देखनी है। अब ये इमेज साइज देखने का क्या तरीका है, इसका एक तरीका तो बड़ा सादा सा है कि भाई फोटोशॉप में जाएं, मैंने देखा मेरी एक इमेज 1 MB की है, MBs में तो आपका इमेज होना ही नहीं चाहिए, किलोबाइट्स में इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस वेबसाइट के जितने इमेजेस हैं क्या MBs में तो नहीं है, अगर MBs में है तो मैं उन्हें अच्छा। अब एक तरीका क्या, फोटोशॉप में जाऊंगा। अब एक और तरीका देखिएगा जो मैं स्क्रीन पे क्या लिखने लगा, ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल मैंने सिंपल सी एक टर्म लिख दिया, ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब मैं क्या कहने लगा हूं, बेसिकली मैं फोटोशॉप भी नहीं यूज करने लगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरे पास ये वेबसाइट में 10-15-20 इमेजेस थे तो मैंने ये टूल इस्तेमाल किया और उधर जाकर उस टूल को कहा कि भाई मुझे इमेज ऑप्टिमाइज करके दे दो, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने एक कीवर्ड लिखा है, देखिए मैं सारे काम करने के लिए कीवर्ड लिख रहा होता हूँ और कीवर्ड से मुझे जो चीज़ नजर आती है वही मेरे काम की चीज़ होती है, लेकिन मुझे ये समझ आती है कि मुझे ढूंढना क्या है और कैसे ढूंढना है। बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि आपको क्या ढूंढना है और कैसे ढूंढना है। भाई बाजार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें पता होता है ना हमें क्या ढूंढना है, क्या चीज़ खरीदने आए हमें। आओ जरा इधर, ये क्लाउड फेयर लिखा हुआ आ रहा है, बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही होगी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑनलाइन इमेज कंप्रेशन। इमेज कंप्रेस करने का मतलब क्या है, इमेज का साइज रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग। ये देखें फ्री इमेज ऑप्टिमाइजर, कितने सारे टूल्स आ गए हैं, जो टूल आपको अच्छा लगता है उसको कर लें, तजर्बा करके देख लें भाई कौन सा टूल कैसा कर रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जी लोड नहीं हुआ, वो नेट ही चेंज हो गया हुआ है ना, मैंने अपने मोबाइल का यूज करना चाहिए था मुझे। तो मैंने कहते हैं नेट का इशू भी हल करिए मेरा। चलो आगे, अब वो कहता है यहां पर आ जाए और यहां आकर आप खुद ही बता दो भी कौन सा इमेज है और क्या कह रहा है, कहता है ऑप्टिमाइजेशन किस साइज में करनी है वो भी बता सकता हूं मैं। पहले मैं कहता हूँ चूज इमेज, चलो जी मैं यहाँ से कोई तस्वीर उठा लेता हूँ, ऐसी मैं रैंडम सी कोई भी मेरे पास जो डाटा पड़ा हुआ है ना, चलो ये ले लेते हैं। आगे ऑप्टिमाइज के ऑप्शन, ये साइज आप खुद बता सकते हैं बताना चाहें तो, क्वालिटी नॉर्मल इज फाइन, कोई हाई क्वालिटी करूंगा तो साइज तो बड़ा ही होगा ना। हाँ जी 50 का फर्क पड़ गया, हाँ कहना इसका एक्चुअल साइज क्या है 456 किलोबाइट्स और जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये कितने की हो जाएगी 408 किलोबाइट्स की हो रही है इसलिए, और इसका साइज क्या कर रहा है वो 1200x672 क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा साइज भी नहीं हमें करना, लेकिन इट्स अप टू अस के हम कितना साइज छोटा करना चाह रहे हैं। पर मैं क्या कहता हूँ डाउनलोड कर दो, हो गया इमेज ऑप्टिमाइज, साइज भी छोटा हो गया। ये है ऑनलाइन टूल, इस तरह कितने सारे टूल्स मैंने लिए आपको दिखाए हैं जिनके साथ हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इमेज आ गया लेकिन इसकी क्वालिटी में ज़रा फर्क नहीं होगा, ये नहीं समझना कि वो छोटा कर रहा है तो शायद क्वालिटी फर्क आ जाएगा। यानी एक तरीका तो ये हुआ मेरे पास,
मतलब एक तरीका क्या है कि मतलब पहला एक फैक्टर क्या है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, कि इमेजेस छोटे होने चाहिए, और अगर हम कहें टेक्निकली कहें तो हम कहते हैं इमेजेस कंप्रेस होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपने इमेजेस को कंप्रेस करना है। अब मेरे पास जब वेबसाइट आएगी एसईओ करने के लिए तो वेबसाइट तैयार होगी, इमेजेस पड़े होंगे, ऐसे नहीं होगा कि नए सिरे से इमेजेस बन रहे होंगे, तो मुझे उन्हीं इमेजेस को कंप्रेस करना है और उनकी रेशो के मुताबिक ही करना है। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी रेशो को चेंज नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि साइज पहले था वो जो भी साइज था मैंने उसको 100% रिड्यूस कर दिया, वो तो बिल्कुल आधा रह जाएगा, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, इतना चेंज नहीं करना। और ये काम मैं चाहूँ तो डेवलपर को भी कह सकता हूँ कि भाई आप इमेजेस ऑप्टिमाइज करके मुझे दें। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर क्या हो गया, इमेज साइज। अच्छा दूसरा फैक्टर क्या है इसका, ये हम क्या आप देख रहे हैं, इमेज अभी लगाता हूँ मैं, उससे पहले मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी साथ बता रहा हूँ आपको। दूसरा इसका फैक्टर है फाइल नेम, कि जो आपकी इमेजेस हैं इनके नाम कैसे होने चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि इमेज के नाम में कीवर्ड का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर मेरा मेन कीवर्ड था बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, और मेरी फाइल का नाम रखा हुआ मैंने 07.jpg, और बेसिकली वो एक बैनर बना हुआ है पीक सॉल्यूशंस का। तो मैंने उस फाइल का नाम 07.jpg नहीं रखना, बल्कि मैंने उस फाइल का क्या नाम रखना है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन, समझ आई बात की। अब एक और चीज आपने नोट की कि मैंने नाम के दरमियान में हाइफन यूज किए, आपने फाइल के नाम में स्पेस यूज नहीं करनी, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है। आपने आपकी फाइल के नाम के दरमियान में आप समझेंगे स्पेस बार कहीं पर भी, चाहे वो HTML फाइल है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो ऑडियो है, आपका जितना भी डेटा है, आपने अपने डेटा में किसी भी जगह पर स्पेस बार यूज नहीं करनी। आपने अपनी फाइलों के नाम हमेशा डैशेस के साथ या हाइफन के साथ रखने हैं, ये भी SEO का फैक्टर है। पूरी फाइल्स के लिए ये फैक्टर है, तो इस पर भी अप्लाई हो गया। और हमने नाम क्या रखा, हमने अपना कीवर्ड नाम रखा, हमने नाम क्या रखना है अपनी उस फाइल का जो हमारा कीवर्ड होगा। तो आपके बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं ना, तो जब आपके बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे तो उसी मुनासिबत से आपने अपनी फाइलों के नाम रखने हैं, यानी दूसरा फैक्टर भी हो गया। उसको भी समझ नहीं आएगी ना इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा उसको समझ, अभी तो पता लग गया ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, वैसे भी नाम मल्टीपल रखते हैं, कंटेंट जो है वो कंप्यूटर कॉलेज का खुल रहा है, यही भी तो गड़बड़ होगी ना, क्योंकि बेसिकली ये नाम तो URL के तौर पर आएगा ना वेबसाइट पे, ऊपर लिखा हुआ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो नीचे कोई और ही कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब वो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर से मुतल्लिक कंटेंट ही होना चाहिए ना नीचे सारा, रेलिवेंस भी बहुत जरूरी है। हाँ ये अलहदा एक फैक्टर है, ये इमेज का फैक्टर नहीं है, ये एक अलहदा फैक्टर है। ये फैक्टर जो है ये है स्ट्रक्चरल फैक्टर, कि भाई आप जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं उस स्ट्रक्चर का आपस में कोई मेल जोल भी होना चाहिए जो स्ट्रक्चर बनाकर दे रहे हैं आप। जैसे मिसाल के ऊपर लिखा मैंने कोर्सेज, और कोर्सेज के टैब को जब आप खोलो तो उसके आगे कोर्सेज में लिखा हुआ हो SEO सर्विसेज, तो गड़बड़ हो गई ना, स्ट्रक्चर खराब हो गया। मुझे ऊपर कोर्सेज नहीं लिखना, मुझे ऊपर सर्विसेज लिखना है, फिर उसके अंदर SEO सर्विसेज होना चाहिए। अब ये दो चीजें हो गई, फाइल का नाम भी हो गया, साइज भी हो गया। अब alt एट्रीब्यूट, जी alt एट्रीब्यूट की जो लेंथ होती है वो बिटवीन 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स होती है। alt एट्रीब्यूट मैंने भी आपको दिखाया था खोल के, ये देखें टैग खोला हुआ है मैंने पूरा, हाँ ये पूरा टैग खोला हुआ है, ये alt एट्रीब्यूट है, यहां स्पेस नहीं है। अब देखिए ये फाइल नेम नहीं है, मैंने कहा यहां स्पेस नजर आ रही है आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था स्पेस नहीं यूज करनी, लेकिन मैंने कहां मना किया स्पेस यूज करने से, फाइल नेम के दरमियान में। alt एट्रीब्यूट फाइल नेम तो नहीं है, alt एट्रीब्यूट तो एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन तो ऐसे ही है ना जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिख रहे हो आप। सो यहाँ पर स्पेस वाला प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस वाला प्रॉब्लम कहाँ है, फाइल नेम्स में है सिर्फ। जब आप फाइलों के नाम रख रहे होंगे, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो HTML फाइल हो, चाहे वो ऑडियो की फाइल हो, चाहे वो वीडियो की फाइल हो, उसके नाम में आपने डैश लगाना है, लेकिन यहाँ पर alt के अंदर डैश लगाने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ तो दे सकते हैं ना, देखें यहाँ पर स्पेस ही दी है ना,
लेकिन फाइल नेम में मैंने क्या कहा था कि स्पेस नहीं देनी, यही कहा है ना आपको भी कि फाइल का जब नाम रखते हैं आप तो उसका नाम, जैसे मेरी फाइल है कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट स्पेस अस नहीं लगाना फाइल का नाम, बल्कि कॉन्टैक्ट डैश अस फाइल का नाम लिखना है आपने, ठीक है। अगर मैंने फाइल है, मेरा टैब है, मेन्यू है वीडियो गैलरी, तो मैंने वीडियो स्पेस गैलरी नहीं लिखना, मैंने वीडियो डैश गैलरी लिखना है, यानी मेरी जितनी भी फाइलें होंगी उनके जो वर्ड्स होंगे उनको सेपरेट करने के लिए मैं हमेशा डैशेस का इस्तेमाल करूंगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वापस, आर्ट हो गया। अब ये जो आर्ट का एट्रीब्यूट है बेसिकली ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आर्ट एट्रीब्यूट में भी क्या आ रहा है, कीवर्ड आ रहा है आपका। आर्ट एट्रीब्यूट बेसिकली किसको बता रहा है, मैसेज क्या दे रहा है और किसको दे रहा है। मैसेज ये दे रहा है कि ये जो आप तस्वीर खोल रहे हैं बेसिकली ये इसके अगेंस्ट कीवर्ड है या ये इसका कोड है। अब ये वाला जो मैसेज है वो किसको दे रहा है, अगर हम ये कहें कि हम कोई वेबसाइट खोलते हैं और हमें तस्वीरें नजर आती हैं तो वेबसाइट्स किस किस को दिख रही है, एक तो ह्यूमंस को दिख रही है, मतलब कोई भी बंदा जो वेबसाइट देखना चाहता है उसको देख रही है, एक तो ह्यूमंस हैं, यूजर्स हैं जो वेबसाइट देखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर वेबसाइट कौन देख रहा है, दूसरे नंबर पर क्राउलर्स हैं, गूगल के क्राउलर्स जो आपकी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं, ठीक है ना। क्राउलर मैंने पहली दफा टर्म इस्तेमाल किया कि पहले भी किया है, पहले भी किया, इसके बाद आपको कुछ आइडिया दिया होगा ना मैंने क्राउलर्स क्या होता है, जो वेबसाइट को क्राउल कर रहे होते हैं। तो अब बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हमने उसको दी, अब उसने कॉन्टेंट, आप याद रखें कि कोई भी क्राउलर ग्राफिक्स को नहीं देखता, क्राउलर ग्राफिक्स के को देखने के लिए भी कोड को देखते हैं, यानी उन्होंने ग्राफिक्स को अंडरस्टैंड करने हैं तो भी कोड को ही देखना है, यानी है तो तस्वीर, मैंने तो एक बैनर बनाया हुआ है लेकिन उस बैनर का मैंने आर्ट एट्रीब्यूट जो डिफाइन किया है बेसिकली वो क्राउलर के लिए किया है, ताकि क्राउलर को मैं बता सकूं कि भाई ये जो इमेज है ये किस चीज के मुतालिक है। अब मैंने उसे बता दिया कि इमेज किस चीज के मुतालिक है। अब ये तो क्राउलर को फायदा हो गया, तो यूजर को ये आर्ट दिखाने की हमें क्या जरूरत है, ठीक है। यूजर को क्यों दिखाना चाहते हैं हम आर्ट, यूजर को हम आर्ट इसलिए दिखाना चाहते हैं कि भाई कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है और इमेज लोड नहीं होता, ठीक है, किसी भी वजह से, हो सकता है उसका इंटरनेट ठीक ना हो, या हो सकता है जिस सर्वर पर इमेजेस पड़े हुए हैं वो सर्वर में कुछ इश्यू हो, तो प्रॉपरली इमेज लोड हो नहीं रहा, किसी भी वजह से इमेज लोड नहीं हो रहा। अब क्या होगा, जब इमेज लोड नहीं होगा स्क्रीन पर तो आपको आर्ट नजर आएगा। अब इमेज लोड ना होने की वजह क्या हो सकती है, या तो सर्वर से सिग्नल नहीं मिल रहा इमेज का, या इमेज का नाम गलत लिखा गया है, सर्वर पर कोई और नाम है, यहाँ पर कोई और नाम है, या इंटरनेट स्लो है, यही वजह हो सकती है ना। तो जब आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो फिर आपको इमेज तो नजर आना ही नहीं है, तो इमेज की जगह पर क्या नजर आएगा, आर्ट नजर आएगा। यानी अगर ये वाला इमेज नहीं दिखता, अगर ये इमेज नहीं दिखता तो फिर क्या दिखेगा, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। समझ आ गई बात की, चलिए अब इसकी एक रियल प्रैक्टिस करके देखते हैं। अच्छा एक और भी है फैक्टर, टाइटल। जी टाइटल क्या होता है, टाइटल ये होता है, देखें मैं माउस लेकर आया क्लास के ऊपर, स्क्रीन पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लोज आ रहा है ना लिखा हुआ, भला मैं किसी भी बटन पे माउस लेकर जाता हूं तो एक मैसेज आ जाता है, इस मैसेज को हम बोल रहे हैं टाइटल। लेकिन ये कब आएगा, जब आपका माउस इमेज के ऊपर आएगा, ठीक है, उस वक्त ये नजर आएगा। तो मैं इससे क्या एडवांटेज लेना चाह रहा हूं, कीवर्ड का, मैं कहता हूं क्यों ना टाइटल के ऊपर भी कीवर्ड ही दे दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एट्रीब्यूट आर्ट था तो एक एट्रीब्यूट क्या है, टाइटल, और इसके अलावा एट्रीब्यूट और भी हैं क्या, विड्थ और हाइट। विड्थ को हम कैसे कैसे बता सकते हैं, दोनों को, विड्थ को और हाइट को कैसे बता सकते हैं, पिक्सल्स में या फिर परसेंटेज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि इमेज है, मिसाल के तौर पर मेरा इमेज तो बहुत बड़ा है, मैं कहता हूँ मेरा इमेज है 1080x1080, बहुत बड़ा इमेज हो गया ना, स्केयर शेप में बना हुआ है। अब मैं कहता हूँ इसे छोटा होना चाहिए, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसको आधा कर दो, ठीक है, तो मैं आधे पिक्सल कर दूंगा या मैं क्या कर दूंगा परसेंटेज में 50%। जब मैं 50% कहूंगा तो क्या होगा, इमेज का डिस्प्ले हाफ हो जाएगा,
ठीक है। सो ये विड्थ और हाइट बड़ा इंपॉर्टेंट एसईओ का फैक्टर है। ये भी ये क्यों है फैक्टर इंपॉर्टेंट भाई, इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि आपकी वेबसाइट है लोड हो रही है और उसके ऊपर कोई मेन पेज के ऊपर कोई 10-12 इमेजेस है। अब गूगल के क्रॉलर को नहीं पता कि आपके इमेजेस के साइज क्या है, नहीं पता, आपने ना विड्थ बताई है ना हाइट बताई है, ना एक चीज भी नहीं बताई हुई दोनों में से। अब क्या होगा, वो जब भी लोड होगा तो स्क्रीन पे आएगा, कैलकुलेट करेगा कि भाई मुझे कौन कौन सी चीज को प्लेस करने के लिए कितना साइज चाहिए, टाइम बढ़ा दिया हमने उसका। लेकिन अगर हम उसको पहले से ही बता देते कि भाई ये 10 इमेजेस हैं इसी साइज के, तो क्रॉलर को पहले इन्फॉर्मेशन चली जाती, वो पहले ही एलोकेट कर देता कि इसके लिए कितनी स्पेस चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक स्पीड का फैक्टर है हमारा, ये भी बहुत अहम फैक्टर है। और अगर ये ना लगा हो तो हम डिवेलपर को कहते हैं कि भाई आप इमेजेस हमें कंट्रोल करके भेजें। ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, टेक्निकल एसईओ होगी नहीं ये, मतलब टेक्निकल क्या है, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, मतलब इमेज तो लगा हुआ है, इमेज नजर भी आ रहा है, लेकिन विड्थ और हाइट या दोनों में से कोई एक चीज ना बताने की वजह से हमने क्रॉलर को मेहनत पे डाला हुआ है कि वो हर अक्रेंस के ऊपर जाकर उसको साइज देखना पड़ता है, क्योंकि साइज तो बताया ही नहीं हुआ। वो देखता है कि भाई कितनी जगह चाहिए इस इमेज के लिए और बाकी कंटेंट लगाने के बाद मेरे पास कितनी जगह बच रही है, तो ये काम उसका हम बढ़ाते जा रहे हैं बार बार। सो ये भी एक फैक्टर हो गया हमारे पास। और ये पिक्सल्स हम किसमें बता सकते हैं, दो फैक्टर्स में। तो ये मैंने जो लिखा है ये सारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स थे, ठीक है। तो जी मैं यहाँ पर आता हूँ, अब एक और नोटपैड खोला है मैंने, तो यहाँ पर मैं इमेज लगा देता हूँ जी। क्या ख्याल है, ऐसे लिखते हैं ना स्टेबल, ठीक है ना। ये आपको ये लिखना आना चाहिए बस और पढ़ना आना चाहिए, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि हमने इस लिखे हुए कोड में से अपनी मर्जी का एसईओ वाला कोड ढूंढना है और उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। जैसे मैं ये कहूँ कि ये एसईओ की वेबसाइट थी भाई, सपोज कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ ये वेबसाइट थी, फिलहाल मैंने इतना ही लिया, इसी को मैं कंट्रोल सी करता हूँ, तो ये कोड लगा हुआ था, हम कहते हैं ये निकाल देता हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये काम की चीज़ नहीं है हमारे, है ना, मैंने कहा था ये भी काम का नहीं है हमारा, निकाल देता हूँ इसको। हमने अभी निकाल रहे हैं, जब हम किसी के एसईओ करेंगे हम निकालेंगे तो नहीं ना, इसको लिखा रहने देंगे, मतलब इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। आपको मैं इसलिए निकाल कर दे रहा हूँ कि आप टेंशन फील ना करें इससे कि ये क्या चीज़ है जो हम समझ नहीं रहे, इसको हमने अवॉइड ही करना है, ये हमारे काम की चीज़ है, इट्स ओके, ये हमारे काम की चीज़ है। और तीसरी चीज़ लगी नहीं हुई इस पर, है ना, कौन सी, टाइटल, वो भी मैं लगा देता हूँ। हो सकता है आपके पास इस तरह आर्ट नजर आ रहा हो, जैसे अभी मैंने टाइटल लिखा है ना, एक वेबसाइट हो जिसकी एसईओ हुई नहीं हुई, उसके अंदर कोई 15 इमेजेस पड़े हुए हैं, तो उसके 15 के 15 ऑल्ट आपको डबल कोट्स शुरू हुए होंगे, डबल कोट्स बंद हुए होंगे, बीच में कुछ भी नहीं होगा, आपको इस तरह ऑल्ट नजर आएंगे। अब आपने क्या करना है, उनके कीवर्ड्स बनाने हैं और फिर इमेजेस के हिसाब से आपने वहां पर कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है जी ऑल्ट, ओके, इमेज कौन सा है, ये भी हटा दूं मैं फिलहाल, लोगो आईएमजी बन गया जी, इमेज है ये हमारा, फाइल में है, बल्कि इसको भी देखते हैं अभी कौन सा है हमारे पास, सेव एज में जाके अब मैं इसको सेव करने लगा हूँ, एचटीएमएल फाइल को सेव करने लगा हूँ, तो आप ही लोगों के फोल्डर में चले जाते हैं, डीएम 729, प्रीवियस क्लास कौन सी थी भला हमारी, किस डेट की थी, 20 की, मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर कोई एचटीएमएल फाइल है, फाइन, इसमें इमेज भी पड़ा हुआ है ना, काम करें इस पर राइट क्लिक करके ना मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, और यहीं पर इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, और समझ आया ना, इमेज होना चाहिए ना भाई, इमेज की प्रैक्टिस करने लगे, प्रैक्टिस करने के लिए इमेजेस तो रखेंगे, जहां से मर्जी ले आपके पास पड़े हुए हैं नेट से ढूंढ लें प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ समझाने के लिए सर आपको, ताकि आपको पता लगे कि नाम कैसे रखना है, प्रोफेशनल किचन लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अब नाम ऑप्टिमाइज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना ऑप्टिमाइज नाम, अच्छा उसके बाद इसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है देख लेते हैं, पीएनजी है, बस खत्म होगी बात, फिलहाल सेव नहीं कर रहा मैं, क्या करूं यहां पे आके बोले
यहां पर वो फाइल का नाम लिखूंगा मैं जो अभी रख के आया हूं। अब किसी को ये समझ में नहीं आता कि ये क्या किया था सर ने, ये वीडियो खोल लो ना यार साहब, वीडियो को खोलें। पहले तो पहला तरीका क्या होता है, वीडियो को दो तीन दफा देखें, फिर जब प्रैक्टिस करते हुए समझ में आए फिर वीडियो को खोल के रखें और स्टार्ट प्रैक्टिस करें, ठीक है। पहले तो आपने सिर्फ वीडियो देख लिया समझने के लिए कि पढ़ा गया हम लोगों ने, समझा गया हम लोगों ने, आ गया सही लिखा गया। इस फाइल को मैं एक नए नाम से सेव कर देता हूं, सेव एज, ये किसी और फोल्डर में चला जाता है वो, ये वही क्लास है जो आपके लेवल पर है। एक नया फोल्डर बना लेते हैं, आज की तरीका नहीं, नहीं आज की तरीका नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भला, कौन बताएगा भाई। सब कुछ तो मैंने वहां रखा है, इमेज तो मैंने दूसरे फोल्डर में रख दिया ना, इसका मतलब मुझे अब चलाना भी वहीं से ही पड़ेगा, तो 20-30 पे आ जाते हैं। और यहाँ से क्या करें, इसको HTML और यहाँ पर रख लेते हैं IMG, चलो जी इसका नाम रख लिया मैंने IMG-practice.html, ठीक है। इधर आ जाए, पोस्ट्स कहाँ है, ये आ गया। अच्छा अब हमने और भी कुछ चीजें देखी थी, क्या टाइटल यहां पर कोई लिख दूं मैं, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लो जी ये मेरा कीवर्ड यहां भी आ गया, यहां पर भी नाम आ रहा है। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको नाम के साथ में कुछ लगा देता हूं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लगेगा मैंने ये क्यों लगाया कुछ इसके साथ। इसे बंद कर दें, अब इसको रिलोड करें, पता लगे क्या हुआ है, ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, कहां से नजर आ रहा है, मैं कहां से नजर आ रहा है बोला, आर्ट एट्रीब्यूट है ये बेसिकली, ये आर्ट एट्रीब्यूट है, ये मैंने कहा था ना दो लोगों के लिए है, एक इसके लिए यूजर के लिए है, क्योंकि इसका इमेज खुले ना तो उसको पता लग जाए क्या ये, पता लग गया भाई इमेज नहीं लोड हुआ, या तो इंटरनेट स्लो है, या जिस सर्वर पे पड़ा हुआ है वहां पर कुछ इशू आ रहा है, या नाम गलत लिखा गया, मतलब इतने सारे इश्यूज हो सकते हैं इसके, ठीक है। अच्छा दूसरा इसका काम किसके लिए है, क्रॉलर के लिए, ये लिख दिया मैंने, अब मैं कहता हूँ 6 महीनों में मेरी वेबसाइट ने रैंक करना है, तो भाई दूसरे लोगों ने भी तो लिखा हुआ है, जब 6 महीने तक क्रॉलर को ये नाम लिखा हुआ नजर आता रहेगा मेरी वेबसाइट में, तो फिर वो मुझे रैंक करेगा और ऊपर लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखते हैं, बेसिकली क्या हुआ, ये फाइल नहीं मिली उसको, है ना, ऐसे ही है ना, अक्सर ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जो नहीं मिलती हैं उसको, एरर पेज खुलता है हमारे सामने, उसके सामने अक्सर एरर आ रहा था, 404 एरर आ जाता है, एक एरर होता है जिसपे लिखा होता है 404 एरर, बेसिकली होता क्या है कि वो रीडायरेक्ट जिस पेज पर होता है असल में वो पेज वहां पर नहीं होता, तो जब वो पेज वहां पर नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं खुलेगा आपके सामने। सो ये जो 404 एरर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये भी SEO को डैमेज करता है, क्यों, इसलिए कि भाई गूगल के ऊपर आपने लिंक लगाया, लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक फॉलो करते हुए गलत जगह पर चला जाता है, तो SEO वेबसाइट गूगल कहता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, या मेरे प्लेटफॉर्म को मिस यूज करने लगे हुए। सो एज ए SEO एक्सपर्ट हम लोग वेबसाइट में जितनी चीजें देखते हैं उसमें सबसे पहले ये भी देखते हैं कि कहीं 404 एरर तो नहीं आ रहे, यानी 404 एरर का क्या मतलब है कि भाई लिंक्स जितने भी बने हुए हैं क्या सारे सही फॉलो भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये तो ये कि लिंक पे क्लिक करें तो गलत जगह पर चला जाता है, ये भी SEO वाले बंदे की काम होता है, जब SEO की वेबसाइट आती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं इस वेब, अब इसका मतलब क्या हुआ, एक वेबसाइट है उसमें 4 लिंक्स हैं तो बड़ी आसानी से चेक हो जाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट के ऊपर 300 लिंक्स हैं ये तो एक बंदे की ड्यूटी लगा देंगे भाई चेक करो, ये तो मुश्किल काम है ना, टूल्स हमारे पास होंगे हम टूल से चेक करेंगे, टूल हमें चेक करके बताएंगे कि ये 404 एरर जनरेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो कौन से पेजेस पे कर रहा है, फिर हम हो सकता है कि डेवलपर को ये भेज दें लिस्ट बनाकर, वो लिंक उसको भेजें कि भाई ये देखें ये 15 पेज हैं जो 404 का एरर जनरेट कर रहे हैं। अब 404 का एरर कैसे जनरेट होता है आपको समझ आया, 404 एरर होता क्या है, 404 एरर ये है कि मैं गूगल पर जाऊं, याहू पर जाऊं और याहू पर एक लिंक लिखा हो मैसेंजर, मैं उस पर क्लिक करूं
लेकिन जब मैं पेज खोलूँ तो उस पर आ जाए 404 एरर, बजाय इसके कि याहू का मैसेंजर खुले एक एरर पेज खुल जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उस जगह पर उस लिंक पर वो पेज है ही नहीं, ये 404 है। अब ये एरर आने की बहुत सारी वजह हो सकती है। पहली वजह क्या है, फाइल नेम हो सकता है, उस फाइल का नाम मैंने जैसे भी नाम गलत कर दिया, मैंने नाम चेंज कर दिया तो 404 एरर जनरेट होगा, नंबर वन। दूसरा क्या तरीका है कि फाइल का नाम कुछ और है, लिंक में जो नाम लिखा हुआ है वो कुछ और है, दोनों आपस में मैच ही नहीं कर रहे। तो वो जैसे ही मैं डेवलपर को कहूंगा वो क्या करेगा, दोनों को मैच कर देगा, कहेगा हाँ भाई उधर गलत लिखा गया था, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। वो जैसे ही उसको ठीक करेगा काम आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो ये 404 एरर्स होते हैं जो एसक्यू में पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ये कैसे आता है और इसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम। अच्छा अभी हमने एक माउस ओवर भी रखा था, है ना, वो देखिए ऊपर आ रहा है, अब इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये ठीक हो गया। अब हमने एक और पढ़ा था एट्रीब्यूट, वो कौन सा था जी, फिर मैं इसको नीचे वाली लाइन में ले जाता हूँ। Width equals to 75%। बस इस बार मैंने क्या किया, सिर्फ एक चीज को कंट्रोल किया, जरूरी नहीं दोनों ही लिखनी है आपने, किसी एक को कर ले। अब देखते हैं क्या, ये अभी इमेज नजर आएगा आपको, जूम बड़ा किया हुआ ना इस वजह से ही होगा, नहीं जूम तो नहीं बड़ा किया हुआ, इमेज के कितना कर दिया उसने, बड़ा कर दिया। देखते हैं अभी ओरिजिनल साइज नहीं आया उसका, हाँ अभी इसको हटाकर देख लेते हैं फिर पता लग जाएगा। ये था उसका, उसने 75% उसको इंक्रीज कर दिया। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, मैं कहता हूं width equals to 120, मैं पीएस ना भी लिखूं, इसका भी मतलब पिक्सल ही है। अगर मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा तो पिक्सल्स ही हैं, और अगर मैं इसको परसेंटेज बताऊंगा, ये काम करते हैं कॉपी कर लेते हैं। अच्छा आप एक और चीज भी नोट कर रहे होंगे, ये आईएमजी को मैंने क्लोज भी नहीं किया हुआ, नहीं किया ना, कोई एरर भी नहीं आ रहा, ये भी बताता हूं आपको। अब दो इमेजेस हो गए, मैं कह रहा फर्क नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। एक ऊपर वाले को वही रहने देते हैं, विड्थ इक्वल्स टू 120 और हाइट इक्वल्स टू 60, चलो जी जो भी शक्ल इसकी बनती है। चेंज हो गया साइज, यानी हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये देखने को HTML कोड है, लेकिन ये SEO का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। कैसे, ऐसे कि आप अक्सर वेबसाइट्स देखते हैं ना, जब वेबसाइट लोड हो रही होती है तो उसकी तस्वीरें ऊपर नीचे चल रही होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आ जाती है, ये वेबसाइट को स्लो करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो हमें ये भी डेवलपर को बताना है, फिर हमें उसे कहना है कि भाई आपकी जो तस्वीरें हैं ना वो डिस्प्लेस होती हैं, तो आप या तो उसकी विड्थ या उसकी हाइट कोई एक चीज़ फिक्स कर दें, क्योंकि जब आप फिक्स कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉलर ने कोड रीड कर लिया, क्रॉलर को साइज़ का पता लग गया। अगर हमने नहीं लिखा विड्थ और हाइट तो क्रॉलर को तो साइज का ही नहीं पता, इमेजेस 50 हैं, उसे नहीं पता कि भाई ये वेबसाइट कितनी जगह पर पूरी आने वाली है। वो जो जो चीज़ फिक्स होती जाएगी उसका साइज मिलता जाएगा उसको, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रॉलर उसी टाइम पर रन टाइम पर देख रहा है हर साइज को, उससे भी क्या हो रहा है उसका टाइम बढ़ गया, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्लो हो गई, ठीक है। ये था हमारे पास इमेज की पूरी ऑप्टिमाइजेशन जो अभी हमने देख ली है। अब हमें क्या करना है, मतलब मेरे पास तो वेबसाइट आई है पूरी तैयार है, तस्वीरें लगी हुई हैं, मैंने सिर्फ ये जाकर चेक करना है कि भाई क्या इसके आर्ट एट्रीब्यूट हैं। मैंने क्या चेक करना है, मैंने ये चेक करना है जो अभी हमने इससे शुरू में पढ़ा, किधर गई भाई,
मैंने मेरे पास जब वेबसाइट आ गई है, मैंने देखना है इमेज साइज, मैंने देखना है फाइल का नाम, मैंने देखना है आर्ट एट्रीब्यूट, मैंने देखना है उसका टाइटल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। याद रखिए जो टाइटल का एट्रीब्यूट है ये वर्डप्रेस नहीं लगाता। मैं कहता टाइटल का एट्रीब्यूट वर्डप्रेस नहीं लगाता, लेकिन जिसको कोडिंग आती है वो वर्डप्रेस में जाके लगा लेता है। लेकिन जिसको कोडिंग नहीं आती, जिसने सीधा वर्डप्रेस ही सीखा होगा या सीधी वर्डप्रेस की एसईओ ही कर रहा होगा, तो इसका मतलब है वो मोटी मोटी एसईओ ही करेगा ना फिर। लेकिन जिसको कोडिंग आती होगी तो वो वर्डप्रेस के भी दो व्यूज होंगे आपके पास, एक व्यू होगा ग्राफिकल और एक व्यू होगा कोडिंग वाला। लेकिन कोडिंग वाले व्यू को जाकर चेंज वही कर सकता होगा जिसको कोडिंग समझ आती होगी। जिसे कोडिंग समझ में नहीं आती है, कोडिंग का मतलब प्रोग्रामिंग नहीं है। अच्छा, ज़ेन में समटाइम ये होता है कि कोडिंग को हम एकदम प्रोग्रामिंग की तरफ ले जाते हैं और प्रोग्रामिंग को हम मैथ की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना, और फिर हम समझते हैं कि ये मुश्किल काम है। सो कोडिंग का HTML कोडिंग का मतलब किसी भी जगह पर प्रोग्रामिंग नहीं है, और HTML कोडिंग कहीं से भी मैथमेटिकल भी नहीं है। ना उसमें मैथ्स की ज़रूरत है, ना उसमें फिजिक्स की ज़रूरत है। हम सिर्फ स्ट्रक्चरल चीज़ों को देखते हैं, हम सिर्फ लेआउट को समझ रहे हैं। HTML की कोडिंग में लेआउट को समझने के लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया जी HTML का एक टैग। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक टैग सिर्फ रह गया हमारा, वो कौन सा रह गया? हाइपरलिंक्स। बस जो हाँ, अच्छा, इमेज को मैंने क्लोज नहीं किया ना, जो ये भी समझ लें क्या सकते हैं। HTML में ना हमारे पास दो तरह के टैग्स हैं, एक को हम बोलते हैं पेयर टैग्स और एक को हम बोलते हैं नॉन पेयर टैग्स, ठीक है। पेयर टैग्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्लोज करना ज़रूरी होता है, और नॉन पेयर टैग का मतलब होता है ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करना लाजमी नहीं है, उनके बगैर भी आप उन्हें यूज कर लेते हैं। अब अगर हम HTML वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अच्छी बात है कि हम उन्हें क्लोज भी करें। वैलिडेशन, HTML वैलिडेशन का क्या मतलब है कि ऑनलाइन एक चेक आपका ये भी होता है कि क्या आपकी HTML वैलिडेटेड फॉर्म में लिखी हुई है, यानी हर चीज वैलिड लिखी हुई है। अगर आपकी हर चीज वैलिड नहीं लिखी हुई तो ये कोई एरर नहीं है। मिसाल के तौर पर वो कह रहा था भाई क्लोज करना ज़रूरी नहीं, तो आपने छोड़ दिया, आपने तो क्लोज ही नहीं किया, तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं है आपका। लेकिन जब हम उस पर वैलिडेटर लगाएंगे तो वैलिडेशन एरर शो करेगा कि वैलिडेशन इस पर पूरी अप्लाई नहीं हुई है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम क्लोज ज़रूर करें, लेकिन हमारे पास कुछ टैग्स ऐसे हैं जो क्लोज। अब हम उन टैग्स की बात करेंगे जो हमसे रिलेटेड हैं, ठीक है, जो क्लोज करने ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर हेडिंग का टैग है, आप बताएं क्लोज करना ज़रूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए कि हेडिंग हर जगह तो लगनी नहीं है, स्पेसिफिक है। बोल्ड का टैग है, क्या क्लोज होना जरूरी है? स्ट्रॉन्ग का टैग है, क्या क्लोज होना जरूरी है? ये तीन ऐसे टैग हैं जो मैंने आपको SEO के लिए बताए हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके बाद टाइटल है, टाइटल एक ही लगता है ना सिर्फ, नहीं भी क्लोज करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इमेज है, इमेज लगा दिया तो उसके अंदर इमेज तो एक ही आ रहा है। SRC में कितनी तस्वीरें आप बता रही हैं, एक ही है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं इसे क्लोज ना करूँ तो पूरे सफ़े पे तस्वीरें रिपीट हो जाएंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। एक दफ़ा इमेज लगाने ने एक ही तस्वीर दिखानी है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक टैग बताया था, वो कौन सा टैग था वाला? मैंने आपको एक टैग बताया था, वो था ये वाला टैग। ये कौन सा टैग है? BR, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक वर्ड में लिखते हैं, एंटर करते हैं, नीचे वाली लाइन पे चले जाते हैं, एंटर 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 एंटर, बहुत सारा नीचे चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। स्पेस चाहिए, BR लगा लो भाई, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा इसका कोई ताल्लुक नहीं है SEO से, सिर्फ स्पेस के लिए चाहिए। मेरे पास वेबसाइट है, कुछ चीज़ें ऊपर ओवरलैप करने लगी हुई हैं, बजाय इसके कि मैं डेवलपर को कहूँ, मैं खुद ही उसमें BR लगा दूंगा। अब मैंने एक BR लगाया, मैंने क्या किया, दो BR लगाए, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पहले दो बोलते हैं, ये सिर्फ लाइन स्पेस के लिए। अब आपने एक चीज नोट की, ये कैसा टैग है? ये भी नॉन पेयर टैग है, मतलब इसको भी पेयर बनाने की जरूरत है। यानी एक मतलब वर्ड में एंटर एक दफा करते हो तो एक लाइन नीचे जाते हो ना, 10 लाइनें नीचे जाने के लिए 10 एंटर करते हो। सेम इसी तरह यहां पर जितनी लाइनें नीचे जानी है उतने ब्रेक लगाओगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और टैग भी होता है जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। ये क्या है जी? HR, HR स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल रूल। हॉरिजेंटल लाइन लगानी चाह रहे हैं हम लोग, देखें जरा क्या होता है, लगती है कि नहीं लगती है। आप देखते हैं वेबसाइट में मेन्यूज के नीचे नजर भी आ रही होती है हमें अक्सर, आ गई नजर, सिंपल, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये SEO से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है, कि हमें खुद ही अगर कभी फॉर्मेट कोई अच्छा ना लग रहा हो करना हो तो इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रह गया एंकर, और एंकर के साथ फिर हम अगले लेक्चर में शायद वेबसाइट एडिट भी डायरेक्ट करेंगे। मैं आपको सारी वेबसाइट चेंज करवाऊंगा जो आपको दिखा रहा हूँ ना बार बार, वहाँ से हम उसका लोगो भी चेंज करेंगे, वहाँ से हम उसका मेन्यू भी चेंज करेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, मेन्यू आज ही कर लेते हैं। हाँ, मेन्यू आज ही चेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं देख लेते हैं। मेन्यू 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 जी, सॉफ्टवेयर भी है यहाँ पर, फाइल पड़ी होगी कोई ना कोई। चल ये पकड़ लेता हूँ मैं एक फाइल कोई सी भी, और इसकी मैं कर लेता हूँ कॉपी ताकि ओरिजिनल फाइल में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहीं पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं उसमें चेंज करूँगा ना, ओरिजिनल फाइल में चेंज नहीं करता। ये इंडेक्स कॉपी आ गई, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और एडिट कर देता हूँ। किस में कर रहा हूँ एडिट? प्लस में, बताया हुआ ना आपको इसका कि आप सबके पास ये होना चाहिए। नोटपैड प्लस मैंने कहा था सब इंस्टॉल कर लें, आपने जब वेबसाइट एडिट करनी होगी तो इसमें कीजिएगा, ये ज़्यादा कम्फर्टेबल है ना उसकी नस्बत, नोटपैड की नस्बत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। कलरफुल फॉर्म में भी आ रहा है, ये भी बता रहा है क्या क्या चीज़ें आपने इसमें कॉमेंट की हुई हैं। ठीक है, नोट बात नहीं की हमने, ले लीजिए काम करें, इधर आए, घर जाके क्या करना है, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, बस लिख के एंटर कर दें, एक लिंक आएगा वहाँ पे क्लिक करें, इसे डाउनलोड कर दें। जैसे मेरे पास इंस्टॉल हुआ है आपके पास भी हो जाएगा, किसी चीज़ की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई सीरियल नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल डाउनलोड नोटपैड प्लस करेंगे, पहले वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्या होता है, डाउनलोड का बटन आ गया, सिंपल, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये बस इसे डबल क्लिक करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। ये फाइल कैसे खुला करेगी आपकी, आपने फाइल पे राइट क्लिक करना है तो उसके ऊपर आ रहा होगा एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, या फिर नोटपैड प्लस प्लस खोल लो पहले और फिर फाइल को खोल लो। ठीक है ना, आपकी चॉइस है आप क्या करना चाहते हो। अच्छा ये आ गई जी मेरे पास, मेन्यू चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, सिर्फ ये दिखाने लगा हूँ आपको मेन्यू कैसे चेंज करना है, आपको आज ही आ जाएगा मेन्यू चेंज करना। इस फाइल को डबल क्लिक करके खोलिए, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सा मेन्यू रिमूव करना है इसमें से। जी अबाउट अल्लामा अशफ़ात रसूल लिखा हुआ है ना, जो मैं इस मेन्यू को रिमूव करना चाहता हूँ, ख़त्म ही करना चाह रहा हूँ मैं, तो मुझे चाहिए नहीं ये वाला मेन्यू इसमें। ठीक है, आ जाएँ इसमें वापस, स्टार्ट में आ जाएँ। तो अब मैंने ज़रा देखना है कि मेन्यू है किधर, यहाँ इसके मेन्यू का नाम भी लिखा होगा, मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको पता लगे कि मेन्यू क्या है। जी साइट ब्रांडिंग आ रही है, नीचे आते जाएं। जी आगे क्लास आ गई है, मेन्यू लिखा हुआ है, यानी इसमें मेन्यू डिजाइन हुआ हुआ है, और ये होम अबाउट पहचान लिया ना कि यही मेन्यू है। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला खत्म करना था ना मैंने मेन्यू सिर्फ, बजाय इसको समझने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, इसमें एक एल आई यूज हुआ हुआ है टैग। एल आई का क्या मतलब होता है, वर्ड में लिखते हैं ना बुलेट्स एंड नंबरिंग करते हैं, एक को हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, एक को हम नंबर लिस्ट बोलते हैं। जो बुलेट्स होते हैं उनको हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, अननंबर्ड बुलेट बोलते हैं यू एल। ठीक है, और एक होती है ऑर्डर लिस्ट जो नंबरिंग की सूरत में होती है। तो ये देखिए एल आई और यू एल लिखा हुआ है, ये दो टैग लगे हुए हैं, यानी बेसिकली ये जो आपका मेन्यू बना हुआ है ये किन टैग्स के साथ बना हुआ है, यू एल और एल आई से। अभी मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा अलहदा से, मुझे सिर्फ ये मेन्यू निकालना है। ये एल आई को पिक किया और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, इसको मैंने डिलीट ही कर दिया बस। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में से एक मेन्यू बार इलिमिनेट हो गई। निकल गया एक मेन्यू, ठीक है, मेन्यूज नहीं बनाने हमने। हो सकता है कि एज ए एसईओ एक्सपर्ट मैं किसी को कहूं कि भाई मुझे एक मेन्यू एक्स्ट्रा चाहिए आपके वेबसाइट पे, चलो मैं खुद ही बना देता हूँ, फिर मुझे बनाना पड़ेगा ना, एक ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं कहता हूँ कि मुझे एक मेन्यू चाहिए भाई, ठीक है, कौन सा मेन्यू चाहिए सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर, अबाउट भी है, दीनों दुनिया भी है, गैलरी भी है,
इंटरफेथ हार्मनी भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, मैं कहता हूँ एक मेन्यू होना चाहिए ब्लॉग के नाम से, आर्टिकल्स के नाम से, वीडियोज के नाम से, जिस नाम से भी मैं। अब मेन्यूज भी ऐसे नहीं है कि बहुत सारे मेन्यूज बना देने हैं भाई, इधर शो होने हैं, भर नहीं देना हमने, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसमें मुझे एक मेन्यू चाहिए जिसका नाम होगा वीडियोस, और वो मेन्यू मुझे चाहिए इंटरफेथ हार्मनी के बाद, ठीक है। जगह भी मैंने सिलेक्ट कर ली कि किस जगह पे होगा। अब मैं इधर आता हूँ वापस, इंटरफेथ को देखें कहाँ है ये। अब इंटरफेथ शुरू कहाँ से हो रहा है, यहां से। इस पूरी लाइन को पकड़ा मैंने, कंट्रोल सी किया और एक एंटर करके कंट्रोल बी कर दिया। क्या किया मैंने, उस मेन्यू की एक कॉपी कर ली। पहले मैंने जो नहीं चाहिए था उसे रिमूव कर दिया था, अब मैंने क्या किया उसकी एक कॉपी कर ली है, और यहां आकर मैं लिख देता हूं, मैं कह देता हूं इस्लामिक स्पीचेस, सपोज, ठीक है, बन गया मेन्यू। देखो ना, मेन्यू बार हम बना रहे हैं, हम कोई वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, हमने सीधा देखा है कि मेन्यू है किधर, मेन्यू को ढूंढ लिया। ये इस तरह आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब ये मेन्यूज बने किससे हुए, अगर आप कह रहे हैं यार ये क्या है, ये कोडिंग किस चीज की है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो बेसिकली ये एक एल आई है आप देख रहे हैं, और एक क्या है, दो टैग लगे हुए हैं ना। एक काम करते हैं, हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं छोटी सी, यहां पर मैं लिखता हूं, पहले HTML लिख लूं और यहां लिख देता हूं, एक क्या था जी, UL और था LI, यहां लिख देता हूं फर्स्ट और यहां लिख लेता हूं LI, और फिर एक को कर देता हूं। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ये समझाने के लिए कि कौन से टैग हैं जिनसे मेन्यू बना हुआ है, ताकि आपको पता लग जाए कि जब आपके सामने मेन्यू आ रहा होगा आपको समझ आएगा कि कौन से टैग हैं जिनको हम एडिट करें। एल आई हो गया, अब किसको क्लोज कर दूं, स्लैश पर। एक काम करते हैं, एक यूएल होता है और एक एक ओएल भी होता है, वो भी लगा दिया मेरे साथ ही। ओएल का क्या मतलब है, यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब बुलेट, ओएल का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब नंबरिंग। अगर आप लोग वर्ड यूज करते हैं तो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी पता है और आपको ऑर्डर्ड लिस्ट का भी पता है। वर्ड में बुलेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और नंबरिंग जो होती है वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। इस फाइल को भी सेव करके देख लेते हैं एक दफा, ये क्या कर रही है, क्या लिख दिया, हो नहीं आया, अच्छा जी हो नहीं आया, यही फाइल है हमारी, इसका नाम ही हम लिख लेते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं जिसका नाम, ठीक है, listing.html। अब इस फाइल को चलाकर देखें, इसे हमने कुछ नहीं करना, ना कभी मैंने आज तक UL यूज किया ना OL यूज किया, लेकिन मुझे क्योंकि पता है तो मुझे पता है कि ये कहाँ यूज हो रहा है। सिर्फ पता होना आपको जरूरी है कि कहाँ है, ताकि आप जब मेन्यू को रीड कर रहे होंगे, जब मेन्यू रीड हो रहा होगा तो आपको पता होगा ना कि भाई ये OL लगा हुआ है, UL लगा हुआ है, LI लगा हुआ है, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। आपने देखा मैंने वेबसाइट एडिट कराई तो सीधा उधर ले गया हूं, उधर से जाकर कोड एडिट कराया आपको सिर्फ। अच्छा जी कहां पर थे, यही थी फाइल, अच्छा भाई जी खोल देते हैं, हाँ डीएम वाले ग्रुप में वो दूसरी फाइल है हमारी, 20 ये बेसिकली ये क्या है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन डेवलपर ने क्या किया हुआ, इसके बुलेट्स को खत यूज ही नहीं किया, बेसिकली वो बुलेट्स लगा ही नहीं रहा इसे, बल्कि वो इससे क्या कर रहा है, मेन्यू डिफाइन करने के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है बस। यानी मेन्यू जो डिफाइन होते हैं बेसिकली वो इन दो टैग्स के साथ डिफाइन होते हैं, इन दो टैग्स का SEO से कुछ लेना देना नहीं है। इससे मैंने लेना देना कैसे बनाया कि मेन्यू चेंज करना हमें आए, ठीक है। तो हम अपने मेन्यू तब्दील करना सीख लिया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम हाइपरलिंक्स पढ़ेंगे, और हाइपरलिंक्स पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों को इसी क्लास में बैठकर ये सारी वेबसाइट चेंज करवा देनी है। कौन सी वाली, ये वाली,
ये भी इमेज चेंज कर देंगे, ठीक है, मेन्यू भी चेंज कर देंगे, मेन्यू के बाद और नीचे आएंगे इधर जो इमेजेस आ रहे होंगे उनको भी चेंज कर देंगे, ये लोगो चेंज कर देंगे, फिर क्या रह जाएगा पीछे, तब तस्वीर ही है ना, ये रह जाएगा, इसको भी डायरेक्ट बताऊंगा कैसे चेंज करना है आपने। और उसके बाद ये हाइपरलिंक्स लगे हुए हैं सारे के सारे, आप देख रहे हैं मोबाइल व्यू में सोशल मीडिया नहीं नजर आ रहा, मोबाइल व्यू में नहीं नजर आ रहा, ठीक है, मोबाइल व्यू में शायद नीचे नजर आ रहा हो, आ रहा है, लेकिन जो डेस्कटॉप व्यू होगा उसमें ऊपर नजर आ रहा हो, डेस्कटॉप व्यू किसे बोल रहा हूं मैं, इसे बोल रहा हूं, ये देखें आने शुरू हो गए नजर ऊपर, ये हाइपरलिंक्स है, ये अगले लेक्चर में कवर हो जाएंगे सारे, बस ये हमने वेबसाइट अपनी बनानी है और फिर हमने एसईओ की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, इसके ऊपर सारी एसईओ इसके ऊपर करेंगे, लेकिन जब ये आपके पास वेबसाइट आपके कंट्रोल में होगी तो ये एसईओ कर सकेंगे, क्योंकि एसईओ में बहुत सारे काम है जो हमने ऑनलाइन होके करने हैं, ठीक है। सो आप लोग, मैं तो कहा था कि ये कभी होस्टिंग परचेस कर लें, सर अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कर लें, फिर बैठ के ऑनलाइन आपके साथ भी कर रहे हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। पहले किसी से बार्गेन कर लेना आपको कैसी होस्टिंग चाहिए, देखें ना, अगर आपको एक होस्टिंग चाहिए, आपको बेसिकली कैसी होस्टिंग चाहिए, आपको एक डोमेन वाली होस्टिंग चाहिए और सब डोमेन्स वाली होस्टिंग चाहिए, तो आप पहले किसी कंपनी से वेब सोल वालों को कॉल करके पूछ लें, ठीक है, आईटी लिंक्स वालों को कॉल करके पूछ लें कि जी हमें एक कितनी होस्टिंग, कितनी कितने आपको चाहिए सब डोमेन्स उसमें, ठीक है, चलो पेयर बनाकर ले लें बेशक कि दो दो स्टूडेंट एक एक सब डोमेन ले लें, तो जब दो दो स्टूडेंट्स भी एक एक सब डोमेन लेंगे तो आपको 6-7 सब डोमेन तो चाहिए, बेशक आपको मेन डोमेन एक ही मिले और आप उसे यूज भी ना करें, आप उन जगह हमें सब डोमेन चाहिए बेसिकली, तो एक सब मेन डोमेन हो बाकी सब डोमेन्स हो, कम से कम इतनी तो हो ना कि हर किसी के पास सब डोमेन हो तभी प्रैक्टिस कर सकेगा ना, लेकिन अब उसका लेकिन एक नुकसान होगा कि पासवर्ड तो एक ही होगा उसका, देखा पासवर्ड तो एक ही होगा ना, वो भी सबके पास होगा, देखा वो यूजर नेम का एक्सेस सबके पास होगा, इसके बाद हम लोगों ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करनी है, वो फिर हम बाद में आपसे अलग अलग लेंगे, तो थोड़ा सा लॉलीपॉप देते हैं ना, वो आपको अच्छा कोई ऑफर दें, ठीक है, अच्छी ऑफर लेने के लिए ऐसी बात करनी पड़ती है।